लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मृत्यु के देवता गदाधारी यमराज का रूप धरकर पारंपरिक सुनहरे पोशाक में एक पुलिसकर्मी बेंगलुरु टाउन हॉल के निकट मोटर चालकों को रोककर उन्हें यह चेतावनी देता दिखा कि अगर उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो वे उनके घर आएगा। हल्लासुरु गेट यातायात पुलिस ने लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यमराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ताकि लोगों में यह संदेश जाए कि अगर वे हेलमेट के बगैर लापरवाही से वाहन चलाते हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो यह उनके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। यातायात पुलिस उपायुक्त अनुपम अग्रवाल ने बताया कि हम लोग जुलाई को सड़क सुरक्षा माह के तौर मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग स्कूल कॉलेजों में भाषण और नुक्कड़ नाटक जैसे कई कार्यक्रमों को करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा हमने यम नामक चरित्र के इस्तेमाल का विचार किया ताकि लोगों में यह संदेश फैला सके कि अगर उन्होंने यातायात नियमों का पालन नहीं किया तो यमराज उनके घर आ जाएगा। यमराज के रूप में पुलिसकर्मी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी ट्रैफिक अवेयरनेस के टैग के साथ वायरल हो रही हैं। बताते चलें, नागपुर में भी यमराज को ट्रैफिक पुलिस के दूत के रूप में ऐसे ही प्रेजेंट किया गया था। इतना ही नहीं, आरजे माधुरी ने यमराज के साथ एक छोटा सा नाटक करते हुए बिना हेलमेट की अपनी एक वीडियो भी पोस्ट की थी।